संबलपुर जिला रेंगाली पंडलईठारे 2004 मसीहारु अवस्थापित श्यामा मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड रो संप्रसारण पई मंगलवार एही कारखाना निकटस्थ पंडलई उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर रे परिवेश संबंधी जनसुनानी को अंचल रो सबु वर्गर लोके समर्थन करथिले। संबलपुर जिला रेंगाली पंडलईठारे 2004 मसीहारु अवस्थापित श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड रो संप्रसारण पई मंगलवार एही कारखाना निकटस्थ पंडलई उच्च प्राथमिक विद्यालय परिवेश संबंधी जनशुणी अनुषित हो जाएगी। अनुषित जनशुणी को अंचल सब वर्गर लोक समर्थन करते एठारे प्रकाश योग्य जे वार्षिक 1,560,000 टन कैप्टिव पावर 308 मेगावाट पेल्टस वार्षिक 3,00,000 टन प्रोड्यूसर गैस प्लांट 96,450 नॉर्मल घनमीटर घंटा सिंटर प्लांट वार्षिक 590,625 बस्ट फर्नेस वार्षिक 393,750 टन को संप्रसारण निमन्ते ओडिशा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संबलपुर शाखा पक्षर परिवेश संबंधी जनशुणी अनुष्ठित होता। अंचल इंजीनियर गांधी बेहरा सुभाष चंद्र विश्वाल तन्मय साहू पंकजिनी राउत प्रशांत कुमार पंडा तुलसी दासोराम श्रीपति षंड प्रकाश बेहरा राधाकांत पटनायक प्रमुखों सह अन्य माने अंचल सामूहिक विकास सहित स्थानीय युवक युवती मानू शिक्षागत योग्यता अनुसार अग्राधिकार भित्ति निजुक्ति देवाई दावी करते श्याम मेटालिक्स निर्देशक देवकुमार तिवारी श्याम मेटालिक्स कारखाना अंचल लोकों सहित अच्छी आग को अंचल सामूहिक विकास स्थायी निजुक्ति कारखाना भितर सुरक्षा और परिवेश प्रदूषण को नियंत्रण करने दिगरे प्राधान्य दिजोली प्रतिश्रुति। संबलपुर अतिरिक्त जिलापाल पद्मनाभ बेहरा अध्यक्षतार अनुषित जनशुणी में रेंगाली तहसिलदार सुनील कुमार मेहर संबलपुर आंचलिक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिकारी इंजीनियर रमेश कुमार एका वैज्ञानिक डॉक्टर सत्यनारायण नंद विश्वकांत प्रधान संजय कुमार साहू मिटु बेहरा सहित कारखानार निर्देशक देवकुमार तिवारी मानव संबल विभाग राजकुमार सिंह शरद कुमार सिंह मनोज कुमार पंडा सरोज नायक सुधीर सेठ उपस्थित थिबा बेले आईन श्रृंखला नियंत्रण करबा पई संबलपुर अतिरिक्त आरक्षी अधीक्षक तपन कुमार महांती एसडीपीओ प्रदीप कुमार साहू रेंगाली थाना अधिकारी धवलेश्वर साहू एसआई कैलाश प्रधान प्रमुख द्वि प्लाटून पुलिस फोर्स सह आईन श्रृंखला परिस्थिति को नियंत्रण करथिले। के तिवारी है, मैं डायरेक्टर श्याम मेटालिक्स एनर्जी लिमिटेड का मैं हूँ और मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, इस यूनिट का इंचार्ज हूँ। सर आज आपका कंपनी का संप्रसारण के लिए यहाँ जनसुनवाई आयोजित किया गया था, उसके बारे में आप क्या कहोगे और आगे मेरा जो है अभी हमने पहले भी बोल दिया था लेकिन फिर एक बार और बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोग आप लोग इस कंपनी को अपना समझो, पहला ये है। दूसरा, इसके कंपनी के पेरिफेरियल में जो भी गांव में विलेज है उसके डेवलपमेंट के लिए हम लोग वर्क करेंगे, लेकिन कोई ना कोई इसमें हम लोग के तरफ से कितनी कमी है मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन विलेज के तरफ से अगर एक अच्छी कमेटी बनती है और वो सही ढंग से अपने जो जो उसके प्रायोरिटी मुद्दे हैं उसको रखेगी, शिक्षा के ऊपर, ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, हम लोग ज़रूर काम करेंगे। हम आप लोग से वादा करते हैं कि हम आप ये विलेजर्स के डेवलपमेंट के लिए जितने अच्छे काम हो सकते हैं, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, छोटे बच्चों के पढ़ाई को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, हम लोग पूरे तरह से कटिबद्ध हैं इस काम को करने के लिए। इसमें आप सभी पत्रकारगण का भी बहुत बहुत योगदान की ज़रूरत है, जिसमें आप प्रायोरिटी के चीज़ों के ऊपर आप इसको लाएं और एक कमेटी के थ्रू डिस्मिट एडमिनिस्ट्रेशन को ऐड करके आप इसको कराएं, ज़रूर काम होगा। हर जगह, हर एरिया में हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं जो पेरिफेरियल में है। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा खुशर कथा जे ये प्लांट एक्सपेंशन होगा जाऊँगी। आज जनशुणी थी बेस लोक मैंने उत्साह थे समर्थन करुँच
किंतु लोक मध्य अभियोग रही जो मौलिक सुविधा जहाँ जमी रास्ता हूँ पा हूँ निजुक्ति हूँ केमती ध्यान दिया दिव निश्चित भाव आम कंपनी को कहबू जो मौलिक सुविधा केमती लोक मैंने पाइबे ताप्रति गुरुत्व देते सर सरकार बहुत आम कोविड पूर्व नोटिफिकेशन कर स्कूल विद्यालय परिसर में कौन सी मीटिंग किसी प्रकार ज्ञानजात्रा बाहाघर व्रत हो पार आज आम देखल स्कूल परिसर भितर जनशुना यह संबंध में आप कौन कहते हैं यहाँ विशेष भाव सरकारी कार्यक्रम अच्छे सेमती किसी असुविधा ना संबलपुर आम जिला प्रतिनिधि सूरज पदारों रिपोर्ट ओडिशा समाचार।